Good morning students, in this video we will cover up some basic operations of MS Excel like copy paste, cut paste with different methods. So we will start with copy paste. हमारे पास ये MS Excel का layout है, हम इसमें अभी पहले copy paste का concept apply करेंगे. Three different ways से हम copy paste करेंगे content को. तो आपने इस सारे content को copy करना है और पेस्ट कर देना है किसी दूसरे सेल में जाके. तो उसके लिए सबसे फर्स्ट जो मेथड है, इसको सेलेक्ट करो अपने कंटेंट को, राइट क्लिक करो और आपने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है. आपका डेटा कॉपी हो जाएगा. जब आप कॉपी पे क्लिक करोगे आपका डेटा कॉपी हो गया. जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे जाओ और राइट क्लिक करो और आपने यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है, आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा. तो ये मेथड है कॉपी पेस्ट करने का, फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड है कॉपी पेस्ट करने का, आप अपने डेटा को सिलेक्ट करो और आपने जाना है होम टैब में. होम टैब के अंदर आपने जाना है क्लिपबोर्ड ग्रुप पे. होम टैब के अंदर आपने जाना है क्लिपबोर्ड ग्रुप में. यहाँ पे आपको कॉपी के ऑप्शन ये दिखाई देगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है. इस पर क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ पर जाओ और अगेन होम टैब के अंदर आपने क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है. तो इस तरह आप लोग अपने डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लिपबोर्ड ग्रुप. क्लिपबोर्ड ग्रुप में कैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया सारे को और क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके कॉपी पे क्लिक कर दिया, डेटा कॉपी हो गया. और जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ पर मैं अपना कर्सर लेके गया, वहाँ पर जाके मैंने क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके पेस्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो डेटा मेरा वहाँ पर पेस्ट हो गया. तो ये हो गए दो मेथड कॉपी पेस्ट करने के. अब तीसरा मेथड है विद हेल्प ऑफ शॉर्टकट की आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो. आप लोगों ने अपने डेटा को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सी शॉर्टकट की को प्रेस करना है. जब आप कंट्रोल और सी को इकट्ठा प्रेस करोगे तभी आपका डेटा कॉपी होगा. और जहां पर भी आपने उसको पेस्ट करना है वहां पर जाओ और वहां पर जाके आपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल और वी. जब आप शॉर्टकट की प्रेस करोगे आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा. कॉपी करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की यूज करना है और पेस्ट करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का यूज करना है. बाद में आपको जैसे लगता है कि ये आपका डेटा पूरा नहीं आ रहा तो आपने उस केस में क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है और उस सेल के इन बिटवीन जाना है दोनों सेल के और यहाँ पे प्लस का साइन बन जाएगा, फिर आपने ड्रैग कर देना है उसको. इस तरह आप लोग अपने सेल की विड्थ चेंज कर सकते हो. तो ये तीन मेथड थे हमारे पास कॉपी पेस्ट करने के. अब हम डेटा को करेंगे कट पेस्ट. तो सबसे पहले इस डेटा को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं. डिलीट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, डेटा को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और आपने क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर देना है, आपका डेटा सारा क्लियर हो जाएगा. अब हम डेटा को कट पेस्ट करेंगे बाय यूजिंग द थ्री मेथड्स. फर्स्ट है आपने डेटा को सिलेक्ट किया सारे को, राइट क्लिक किया और जब आप कट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा कट हो जाएगा और जब जहाँ पे भी आप पेस्ट करोगे तब आपका जहाँ से डेटा सारा कट हो जाएगा. आपका कट ऑपरेशन हो चुका है लेकिन जब भी आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तब आपका यहाँ से डेटा सारा कट होके यहाँ पे आ जाएगा. अब यहाँ पे राइट क्लिक करो और पेस्ट पे क्लिक कर दो. आप लोग चेक कर सकते हो आपका जो डेटा है उस लोकेशन से कट होके दूसरी जगह पे पेस्ट हो चुका है. लेकिन कॉपी पेस्ट के केस में क्या था, डेटा ओरिजिनल जगह पे भी आ जाता है और पुरानी जगह पे भी रहता है. तो इस तरह आप लोग कट पेस्ट कर सकते हो एमएस एक्सेल में. सो ये आपका फर्स्ट मेथड था जिसमें कि आपने राइट क्लिक करके अपने डेटा को कट पेस्ट किया. अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं. सेकंड मेथड में आपने डेटा सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जाना है होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप पे. होम टैब के अंदर आपने जाना है क्लिपबोर्ड ग्रुप में. यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करना है, जो सीजर का साइन यहाँ पे बना हुआ है आपने यहाँ पे क्लिक करना है. आपका डेटा कट हो जाएगा, बैक एंड पे ये कट हो चुका है लेकिन अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. जब आप इसको पेस्ट करोगे तब ये यहाँ से दिखाई देना बंद हो जाएगा और जहाँ पे भी पेस्ट करोगे वहाँ पे आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा. हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं. उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाना है. क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपने पेस्ट पे क्लिक कर देना है.
जब आप पेस्ट पे क्लिक करोगे आपका डेटा वहाँ से रिमूव होके नई लोकेशन पे आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द सेकंड मेथड कट पेस्ट करने का, ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड बाय यूजिंग दी शॉर्टकट कीज। तो आपने अपने डेटा को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल और एक्स। कंट्रोल और एक्स है कट करने के लिए अपने डेटा को। तो कंट्रोल और एक्स की आपने प्रेस की और जहाँ पे भी आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ पे जाके कंट्रोल और वी की को प्रेस कर देना है। जहाँ पे भी आपने अपना डेटा पेस्ट करना है वहाँ पे जाके आप लोगों ने कंट्रोल और वी की को प्रेस कर देना है, आपका डेटा कट पेस्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से तीन मेथड आप लोगों ने कट पेस्ट के लिए किए? एक तो आप लोगों ने राइट क्लिक वाला मेथड यूज़ किया, राइट क्लिक करके अपने डेटा को कट पेस्ट किया। दूसरा आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ होम टैब उसके अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप पे जाके आप लोगों ने इन ऑप्शंस को यूज़ करके अपने डेटा को कट पेस्ट किया। और तीसरा मेथड था आपका विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। शॉर्टकट की में आपने कट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की? कंट्रोल प्लस एक्स। इन दोनों कीज को आप लोगों ने साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। अगर आप साइमल्टेनियसली प्रेस नहीं करोगे तो आपका कट और पेस्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो कट करने के लिए आप लोगों ने कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का यूज़ किया और पेस्ट करने के लिए आप लोगों ने कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का यूज़ किया। तो इस तरह आप अपने डेटा को कट पेस्ट कर सकते हो MS Excel में।